हेलो एवरीवन, अहमद अब्दुल्ला करीब प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं फीटर ट्रेड इंस्ट्रक्टर अब्दुल्ला देसाई। लास्ट फोर वीडियोज़ में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एज पर इंडस्ट्रियल नीड्स के बारे में डिस्कस किया था। आज आपके लिए हम लाए हैं उसका फिफ्थ सेशन है। लास्ट जो फोर टॉपिक्स थे हमारे, उसमें फर्स्ट हमने डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है उसके बारे में जाना, उसके डिफरेंट जो चार्ट्स होते हैं, जो फॉर्मेट्स होते हैं, उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग चार्ट्स, ये हमने देखा, बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड, ये हमने देख चुके हैं, बिल ऑफ मटेरियल, ये टॉपिक हमारा कवर हुआ। आज का आपका टॉपिक होगा प्रोडक्शन साइकिल टाइम। किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम लगता है, जो टाइम लगता है उस साइकिल को, उस प्रोडक्शन साइकिल को किस तरीके से हम एक फॉर्मेट पर, एक चार्ट पर विजिबल कर सकते हैं। इस प्रोडक्शन साइकिल टाइम में कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि साइकिल टाइम। साइकिल टाइम किसी मटेरियल को, किसी यूनिट को प्रोड्यूस करना हो हमें, तो उसके स्टार्ट से लेके फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड ऑफ द प्रोसेस, उसे हम कहते हैं साइकिल टाइम। ठीक है, किसी चीज को फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड ऑफ द प्रोसेस, जब हम उसमें ऑपरेशंस कवर कर रहे हैं, तो उस ऑपरेशंस को मिला करके हम कहेंगे उसको साइकिल टाइम। साइकिल टाइम आपका दो चीज पर निर्भर होता है, एक है आपका प्रोसेस टाइम, दूसरा है डिले टाइम। प्रोसेस टाइम क्या होता है, आपका जब रॉ मटेरियल आपको मिलता है, तो उस रॉ मटेरियल से लेकर के टू द क्लोजर फिनिश, जब तक एक नजदीकी फिनिश तक उसका मटेरियल नहीं आ जाता, उस टाइम को, उस पीरियड को बोलेंगे हम प्रोसेस टाइम। और डिले टाइम उसे कहते हैं कि जब किसी दूसरे ऑपरेशन को जाने के लिए उस दौरान उसे डिले हो रहा है, उस दौरान उसका टाइम जो कंज्यूम हो रहा है, उसे हम कहेंगे डिले टाइम। नेक्स्ट है मशीन साइकिल टाइम। मशीन साइकिल टाइम किसी भी मशीन, कोई भी मशीन जब ऑपरेट की जाती है, तो उस दौरान उस ऑपरेशन में जितना टाइम कंज्यूम हो रहा है उस मशीन में, उसे हम कहेंगे मशीन साइकिल टाइम। थर्ड है हमारा ऑटो साइकिल टाइम। नाम से हमें पता चलता है कि ऑटो, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक। तो किसी भी ऑटोमेटिक ऑपरेटेड, फॉर एग्जांपल सीएनसी मशीन, जब हम कोई ऑटोमेटिक ऑपरेटेड मशीन ऑपरेट करते हैं, जो बिना मैनुअल चले, बिना मैनुअल के ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो रहे हैं, उस मशीन पे जो प्रोसेस कवर हो रहा है, उसे हम कहेंगे ऑटो साइकिल टाइम। नेक्स्ट है ओवरऑल साइकिल टाइम। ओवरऑल साइकिल टाइम उसे कहते हैं कि किसी भी मशीन के ऊपर एक पूरा कंप्लीट ऑपरेशन, एक पूरा कंप्लीट ऑपरेशन जब उस पर फिनिश अप होता है, फॉर एग्जाम्पल लेथ मशीन पे हमने टर्निंग किया, फेसिंग किया, तो जितना भी उस पर कंप्लीट एक मशीन के ऊपर ऑपरेशंस कंप्लीट हो रहा है, जब तक उस पार्ट को निकाला ना जाए, उस टाइम को कहेंगे, उस ऑपरेशन को कहेंगे ओवरऑल साइकिल टाइम। लास्ट आता है हमारा टोटल साइकिल टाइम। इस टोटल साइकिल टाइम में हमारे हर मशीन्स का जितने ऑपरेशंस है, जितने प्रोसेसेस है, और जितने क्लास ऑफ साइकिल्स अवेलेबल्स है, जितने क्लास ऑफ साइकिल्स कवर होते हैं, उन सब को मिला करके हमारा बनता है टोटल साइकिल टाइम। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे प्रोडक्शन साइकिल टाइम में आते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्शन साइकिल टाइम का फॉर्मेट किस तरीके से होगा। तो ये रहा आपके सामने प्रोडक्शन साइकिल टाइम का फॉर्मेट, जिसमें आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन नेम, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम आपको डालना है, प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस आपका चालू है, लाइन चार्ज, उसमें लाइन चार्ज का नेम आएगा, जो भी लाइन इंचार्ज रहेगा उसमें, डेट एंड टाइम, आपका डेट एंड टाइम, कौन से प्रोसेस के टाइम पे आपका कौन सा ऑपरेशन चालू है, उसमें आपका डेट, उसमें टाइम आएगा, कब आपने उसको शुरू किया, ऑपरेटर का नेम, जो भी मशीन उस पर ऑपरेटर है तो उसका नाम आएगा, कौन ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेशन सिक्वेंस, अभी आपका ऑपरेशन सिक्वेंस, क्या ऑपरेशन कर रहे हो आप, नर्लिंग कर रहे हो, फेसिंग कर रहे हो, टर्निंग कर रहे हो, कौन सा ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, तो उसका ऑपरेशन का सीक्वेंस लिखना है, पहले फेसिंग, फिर टर्निंग, फिर नर्लिंग,
फिटिप पर टर्निंग, इस तरीके से आप लोग का ऑपरेशन सीक्वेंस आएगा, जिसके बाद आप लोग लिखोगे ऑब्जर्व्ड टाइम। ऑब्जर्व्ड टाइम क्या है आपका, आपने फेसिंग किया तो उसमें आप लोग का ऑब्जर्वेशन कितना है, कितना टाइम में आपका फेसिंग हुआ, आपने टर्निंग किया तो आपका कितने टाइम में आपका टर्निंग कंप्लीट हुआ, तो ये आप जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो उसका टाइमिंग वहां पे आपको मेंशन करना है। लोवेस्ट रिपीटेबिलिटी, कितनी कम समय में, कितने कम बार आपने एक ही ऑपरेशन को बार बार परफॉर्म किया। जैसे फॉर सम टाइम्स हमको लेंथ चाहिए 20 mm, तो आपको कितने टाइम फेसिंग करना है, आपने वन ऑपरेशन में वन फेसिंग में उसको 20 mm कर दिया, आपने सेकेंड टाइम भी लोवेस्ट रिपीटेबिलिटी कितना है आपका, दो टाइम में आपने कवर किया, वन टाइम में कवर किया, थ्री टाइम्स आपको लगा करने के लिए एक ही ऑपरेशन, तो वो लोवेस्ट रिपीटेबिलिटी आपको लिखनी है वहाँ पे। मशीन साइकिल टाइम, जैसे मैंने आपको बताया था मशीन साइकिल टाइम क्या होता है कि एक ही ऑपरेशन जब कंप्लीट करना है आपको तो उसका ओवरऑल टाइम कितना होगा एक मशीन के ऊपर, तो वो आपको मेंशन करना, कुछ उसके बिहाफ पे कोई नोट्स है तो वो आप उसमें रिमार्क में नोट्स में लिख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का 5th सेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एज पर इंडस्ट्रियल नीड्स का। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।